जनपद संभल के चंदौसी में नगर भाजपा मंडल ने श्री राम दरबार में राम आरती का आयोजन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया, जिसके उपलक्ष्य में भाजपा नगर अध्यक्ष गिरीश रतन के नेतृत्व में भाजपा नगर मंडल ने रामबाग धाम पर स्थित श्री राम दरबार में राम आरती का आयोजन किया। इस विषय में भाजपा के नगर अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इस मसले को शांतिपूर्वक निपटाने की घोषणा की थी, जिसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आने के बाद आज प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन कर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पूरा देश, देश का हर भारतीय आज पूरे उत्साह के साथ पर्व को मना रहा है। अकेला चंदौसी में ही नहीं, आज टीवी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ये उत्सव मनाया जा रहा है। बड़े ही आज का वैभवशाली दिन है। हम परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे संकल्प पत्र में हमने शुरू में ही कहा था कि राम जन्मभूमि मुद्दे को हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे। तो आज वो दिन आया है, शांतिपूर्ण तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज श्री राम जन्मभूमि के स्थल पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में चंदौसी में भाजपा नगर मंडल की ओर से श्री राम दरबार पर राम जी की आरती का भव्य आयोजन हुआ है। उसके बाद प्रसाद का वितरण।